नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। जनपद मैनपुरी के थाना करहल में एडीजी जोन आगरा अजय आनंद द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना करहल पर महिलाओं और छात्राओं के समूह को संबोधित किया गया। उन्होंने बड़े ही सरल शब्दों और बहुत ही रोचक शैली का प्रयोग करते हुए उन्हें प्रेरित करते हुए जागरूक किया। उसको बढ़ावा मिले और उनके संबंधित अत्याचार को मुक्त हो। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार दिनांक 17 तारीख से मिशन शक्ति पूरे प्रदेश में चलाया गया है, जो अगले वसंतीय जो नवरात्र होगा वहाँ समापन होगा। ये पूरे हम लोग इस अवधि में हमारी भरपूर कोशिश रहेगी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ, कि हम जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनमें एक हमें एक मैसेज देने में कोशिश करेंगे कि उनके सम्मान की, उनकी सुरक्षा की हर कीमत पे रक्षा की जाएगी। इसी क्रम में आज करहल कस्बे के सम्मानीय माताओं को, बहनों को, बेटियों को बुलाया गया था और अभी समक्ष मेरे पास बैठी हैं, उनसे वार्ता की गई। बहुत अच्छी है, दोनों तरफ से हमारा संवाद हुआ, उनकी क्या दिक्कतें हैं, और इसी क्रम में आज उनके साथ जो हमारा संवाद स्थापित किया गया और उनको समझाया गया कि आपके जो अधिकार हैं वो हमारे बराबर अधिकार हैं और उन अधिकारों का ज़रूर प्रयोग करें, अपने में आत्मबल लाए। अगर उनके साथ कोई परेशानी होती है कॉलेज जाते समय, स्कूल जाते समय, किसी तरह की, मैं केवल स्कूल और कॉलेज की बेटियों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे नारी समाज की बात कर रहा हूँ, कि घर में कोई परेशानी है तो आपके सेवा में हमेशा तत्पर हैं। 1090 एक ऐसा हेल्पलाइन है कि वहाँ उस फोन को उठाने पे कोई ना कोई उधर से महिला ही बात करेगी और आपके सामने जो संकट है, परेशानी है, उसको सुनेगी। तत्पश्चात जहाँ भी ज़रूरत हो प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को उसको रेफर किया जाएगा। हम लोग जाएंगे, उनकी वार्ता सुनेंगे। 112 एक ऐसी हमारी है कि कहीं भी कोई फ़ोन कर दे, वो किसी भी चीज़ पर, तो हमारी 10-15 मिनट में गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। इन सब चीज़ों को उनको जागरूक किया गया, पहले भी जागरूक किया गया है, लेकिन अब ये जो लगातार अभियान चलते रहेगा, अनवरत जो चलेगा अगले साल तक, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इनको इतना बल दे दिया जाए कि इनमें के सुरक्षा की भावना और प्रबल हो और जागृत हो, अपने सम्मान की भावना जागृत हो। बहुत सारे हमारे प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, उससे वो अवगत हों, उनको पता चले कि उनके लिए क्या क्या कल्याणकारी योजनाएँ हैं। तो इसी क्रम में आज ये दूसरा दिन था, इसी क्रम में मैं यहाँ अपने बहन माताएं और बेटियों से बात करना। सर, एक ऑफिस बनाने की बात की गई है, महिला ऑफिस हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क की बात की गई स्थापना करने के लिए, तो महिला हेल्प डेस्क हम कोशिश यही करेंगे। कोशिश क्या कि कम से कम इस 25 तारीख के पहले तक सब जगह हो जाए। कहीं कहीं किसी थाने में रूम की अभी कमी है, जैसे नकल हरी पर्वत थाने में एक विशेष रूम का वहाँ पर शुभारंभ किया गया, जो महिला हेल्प डेस्क के नाम से वो रूम रहेगा, ताकि कोई महिलाएं जाए तो गोपनीय तरफ से और असुरक्षित होकर अपनी बातें जो वहाँ पुलिस महिला कर्मी उनको बता सके। तो महिला हेल्प डेस्क सभी हमारे आगरा जोन में 25 तारीख तक सभी जगह स्थापित होगा। सर, इस दौरान जनपद में अभियान तो रहेगा, क्या पुलिस की व्यवस्था में जनपद स्तर पर कोई बदलाव किया गया? नहीं, देखिए पुलिसिंग तो हमेशा चलते रहता है, इसके अलावा जो पुलिसिंग हमारी है वो तो चलते रहती है। अपराध होते हैं, अपराध को रोकना और अपराध हो गया तो उसको डिटेक्ट करना, उसका अनावरण करना, ये तो हमारा सर्वोपरि कार्य है। लेकिन अहम बात ये है कि इस दौरान हम महिलाओं की सुरक्षा के प्रति विशेष अभियान चला के उनको जागरूक करेंगे, और इसमें आप लोगों का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें हमें अपना सहभागिता जुटेंगे।